1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक राष्ट्र है जहां सभी को एक समान अधिकार प्राप्त है। यहां की न्यायपालिका बड़ी निष्पक्षता के साथ सभी के साथ बिना किसी भेदभाव के न्याय करती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना नेता चुनने का अधिकार प्राप्त है, जो हमने आजादी से पहले ही कर रखा था। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गणतंत्र दिवस हमें हमारे पूर्वजों के संघर्ष की याद दिलाता है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। ऐसे में हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि इस देश के लिए हमसे जो कुछ भी हो सके वो सब हम करें। जब भी मैं अपने देश के भविष्य की कल्पना करती हूँ तो ये चाहती हूँ कि एक बार फिर से हमारे देश में राम राज्य आए, एक बार फिर से हमारे देश में ऐसे देश प्रेमी शासक आए जो देश में अपराधों का नामो निशान मिटा दे, सब और खुशहाली, सभी तन मन धन से समृद्धशाली, सभी हमारे पूर्वजों का बलिदान सार्थक हो। अंत में मैं अपने वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। इस देश की कीमत जब जब हमने पहचानी है, इस देश की कीमत जब जब हमने पहचानी है, हमारे देश का बच्चा बच्ची बना देश सेनानी है, हमारे देश का बच्चा बच्ची बना देश सेनानी है। जात पात भाषाओं का बीज पनपने ना देंगे, जात पात भाषाओं का बीज पनपने ना देंगे, अब इन आधारों पे हिंदुस्तान को बटने ना देंगे, अब इन आधारों पे हिंदुस्तान को बटने ना देंगे। एकता के सतरंगों से सजाएंगे संसार को, गणतंत्र उपासक बनकर सच्चे उपहार देंगे राष्ट्र को, गणतंत्र उपासक बनकर सच्चे उपहार देंगे राष्ट्र को। भारत माता की जय, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्।